अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी सरसों के साग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मजेदार साग तैयार होता है जो कि खासतौर पे पंजाब में तैयार किया जाता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं सरसों के साग के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। साग बनाने के लिए यहाँ हमारे पास साग है जो कि ये पीले सरसों वाला जो साग है कि बहुत ही मजेदार और बहुत लजीज बनता है। पीले फूलों वाला सरसों का साग ये हमारे पास 1 किलो है। इसमें हम आधा किलो जो है ये पालक इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे पास जो है ये बाथू है, ये भी साग में खास तौर पे जो है वो डाला जाता है जिससे साग का जायका बहुत मजेदार हो जाता है। ये बाथू हमारे पास ये भी आधा किलो है जिसके पत्ते जो है वो इस तरह से इसकी शेप होती है। बाथू इसका जो हमने है इसको मैंने काट लिया है। इसको इसके सिर्फ पत्ते जो है वो इसका लेते हैं, इसकी जो साथ इसकी डंडी होती है उसको बिल्कुल नहीं काटते। और काटने के बाद इसको पानी से बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ जो हमारे पास ये सरसों का साग था इसको भी मैंने काटने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। और पालक जो है इसको भी काट के वॉश कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर यहाँ हमारे पास जो लहसुन है ये तकरीबन मैंने 10 से 12 लहसुन के जवे लिए हैं। और इसमें ये अदरक है जिसको मैंने एक बड़ा टुकड़ा लेकर उसको जुलियन कटिंग कर ली है। इसमें हमारे पास यहाँ जो है वो 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बड़े साइज की ली है। और इसी तरह से यहाँ पे रेड जो है वो हमारे पास जो लाल कुटी भी जो मिर्च होती है ये साबुत मैंने ली है। इसको हम इसी तरह से साग के अंदर जो है वो डाल के इसको पकाएंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो अब इकट्ठे प्रेशर कुकर में डालेंगे और हल्की आंच पर अब इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर ये हम सारी सब्जी एक साथ डाल देंगे। जो मिर्चें हमारे पास हैं ये मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और लहसुन अदरक भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक अभी इसमें नहीं डालेंगे। ये अभी देखने में लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इसमें पानी आ जाएगा तो ये साग जो है वो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर जो है मैं इसका ढक्कन जो है वो इस पर ढक देती हूँ और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये काफी हद तक इसके अंदर जो है ये पानी इसमें आ चुका है। साग में पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये इसका अपना पानी है जिसमें ये पक रहा है। इसको उस वक्त तक पकाएंगे हम जब तक कि इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने के करीब हो और साग अच्छी तरह से गल जाए। इसको मैं अब दोबारा कवर कर देती हूँ और इसको पकने के लिए रख देते हैं। साग को मैंने 1 घंटा और पकाया है। अब इसका जो इसमें जो पानी था वो तकरीबन बिल्कुल खुश्क होने के करीब रह गया है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क भी नहीं करना और ऐसा भी ना हो कि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो। जैसे अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा है इसके साथ ही अब मैंने चूल्हा इसका मैं बंद कर देती हूँ। और हमारे पास यहाँ इसका मैशर है। मैशर से आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर ब्लेंडर में ग्राइंड करना है तो ब्लेंडर में ग्राइंड कर लें। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बाज घरों में सिल होती है, सिल पे भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से इसको जो है वो मैशर से इसको मैश कर लूंगी। साग बहुत अच्छी तरह से इसको मैशर से बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने मैश कर लिया है। ये बहुत ही बारीक अच्छी तरह से मैश हो गया है। जितनी इसमें लाल मिर्चें और हमने लहसुन अदरक डाला था वो सब इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसका चूल्हा जो है वो मैं दोबारा से ऑन करती हूँ। यहाँ हमारे पास तकरीबन आधी आधी कप जो है वो मैंने आधी प्याली इसमें आटा लिया है जिसे हम गंदुम का आटा जिसे रोटी बनाते हैं। इसमें जो है वो 1 टीस्पून मैं नमक में भर के इसमें डालूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो इसमें लाल मिर्च पाउडर है। मिर्चें आप जितना आपका जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जितना स्पाइसी साग को करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको हम जो है वो आटे के अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़े से पानी के साथ मैं इसको इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लूंगी ताकि इसकी थोड़ी सी पेस्ट जो है वो पतली सी तैयार हो जाए।
आटे की जो पेस्ट है वो इसमें मैंने तैयार कर ली है। अब इसको हम साग के अंदर डालते हैं। यहाँ साग में ये सारी पेस्ट आटे के डाल देंगे इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा डालने से इसके अंदर बहुत अच्छी चिकनाहट आ जाएगी और साग का जायका भी बहुत मजेदार हो जाता है। साग के अंदर आटा जो हमने भी मिक्स किया है ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर सिर्फ हम इसमें भिगा देंगे और साग जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। साग चूंकि बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऑयल का जो है वो इसमें भगा देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक जो अदरक है उसका एक बड़ा टुकड़ा लेकर उसको इस तरह से जुलियन में कटिंग कर लिया है। और तकरीबन हमारे पास यहाँ पे जो है मैंने 10 से 15 लहसुन के जवे लिए हैं जिनको इस तरह से जो है वो काट लिया है। अब इसको गर्म ऑयल के अंदर इसका भगा देंगे। सबसे पहले इसमें अदरक डाल देंगे क्योंकि अदरक को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पहले अदरक डालेंगे। जैसे ही अदरक लाइट सी ब्राउन होने लगेगी तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे। अदरक में लाइट गोल्डन सा ये होना शुरू हो गया है, जो हमारे पास लहसुन है ये सारा लहसुन इसमें डाल देंगे। लहसुन बहुत अच्छा सा लाइट इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और हम ये जो सारा बघार है वो साग के ऊपर लगाते हैं। सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार साग जो है वो तैयार होता है। इसको हमेशा जो है वो हल्की आंच पे पकाया जाता है और मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। मकई की रोटी के साथ ये बहुत ही लजीज लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।